हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोनंसिएशन। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं प्रोनंसिएशन के ऊपर और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वाइटल वर्ड्स डिस्कस किए हैं ताकि आपका प्रोनंसिएशन गुड से, बेटर से, बेस्ट हो जाए। आज ये मैं 5 वर्ड फिर से लेके आया हूँ आपके पास। अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। नाउ फर्स्ट वर्ड है आज के इस वीडियो में adjective। क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें डी लगाया तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव। जबकि आप देख सकते हैं उसके वर्ड के नीचे उसका प्रोनाउंसिएशन दिया है, ए सेपरेट किया गया है, तो हम ए को ए ही कहेंगे, ए ए। ठीक है, ए जे ई के। ठीक है, सो ए हो गया एजेक्ट, ए जेक टी आई वी ई, एजेक्टिव, डी रिमूव। ठीक है, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं सिर्फ डी रिमूव हुआ है, इसलिए होगा एजेक्टिव, एजेक्टिव। स्लो कहेंगे तो क्या होगा? ए जेक्टिव। फास्ट कहेंगे एजेक्टिव, एजेक्टिव। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल देख लीजिए। एडजेक्टिव इज वाइटल इन इंग्लिश ग्रामर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज वाइटल इन इंग्लिश ग्रामर। अब चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ, जो कि है ambitious। क्या कहेंगे इसे हम, किस तरह पढ़ेंगे? आप देख सकते हैं इसके प्रोनंसिएशन क्या लिखा है, AM, AM, BI, MB, MB, यहाँ तक सही है जिसका लिखा हुआ इसमें है MB, MB। TIOUS को CS नहीं पढ़ेंगे, ambitious, SHUHS, ambitious, ambitious, shus, shus। Ashoka was an ambitious king, ambitious king। Now third वर्ड है APRIL। क्या पढ़ेंगे सर? अप्रैल? नो, नहीं, अप्रैल तो नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए ए, ए फिर सेपरेट करना है ए, आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में सेपरेट लिख किया हुआ ए, पी आर यू एच एल, प्रॉल, अप्रैल। ठीक है, आई का साउंड नहीं इसमें आएगा, अप्रैल भी नहीं होगा कि आप इसे पढ़ लें अप्रैल। नाउ ए आप शुरू करेंगे पढ़ना किसे, ए से, ए जब मुंह बंद करेंगे तो वहां हो जाएगा पी, ए, उसके बाद फिर जब माउथ खोलेंगे तो शुरू होगा आर से, तो हो जाएगा एप, रॉ, रॉ। शुरू किससे होगा? रॉ, रॉ, अल, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल नहीं, अप्रैल, क्योंकि आप देख सकते हैं स्पेलिंग देख सकते हैं प्रोनंसिएशन का, उसमें आर यू एच एल यूज किया गया, तो ये जगह अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल इज द फोर्थ मैन। प्रोनंसिएशन क्या है? अप्रैल। स्लो कहेंगे तो क्या होगा? अप्रैल, अप्रैल। फास्ट कहेंगे तो अप्रैल इज द फोर्थ मंथ। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ, ASTHMA। क्या कहेंगे? एस्थमा? नहीं, एस्मा। ए एस के जगह पे जेड लग गया, टी एच गायब कर देना है ए में, एस्मा, एस्मा। ठीक है, एस्मा। ठीक है, एस्मा इज अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्मा। इसका इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं अल्फाबेट के हिसाब से हो रहा है, एस्मा, एस्मा, एस्मा इज अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। फिफ्थ वर्ड चलते हैं, AUTOMOBILE। क्या कहेंगे? ऑटोमोबाइल? नहीं, इसे क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में मैंने क्या लिखा है, ए यू के जगह ए डबल ए आ। ये अब ये ए नहीं पढ़ेंगे, इसे आ पढ़ेंगे, आ, पर लेकिन बहुत ज्यादा टान के आ नहीं कहेंगे, आ, आ। ठीक है, मुंह को पूरा नहीं खोलना, आ नहीं, आ। अब देख सकते हैं मैं कितना खोल रहा हूँ मुंह, आ, आ, T U H T O, auto, auto,
auto, M-O-W, mo, auto, mo, auto, mo, auto, mo, B-I, B-E-L, automobile, 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 fast में कहेंगे आप तो क्या होगा, automobile, slow कहेंगे तो आप समझने के लिए slow समझिए, automobile, B-L, so इसमें क्या कहें, किस तरह कहेंगे fast में, automobile, automobile. फिर से देख लेते हैं in five words का pronunciation. First word है adjective, adjective, अब fast में adjective, adjective, adjective. Second word देख लेते हैं ambitious, 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 ठीक है, ambitious. Third word है April, 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 ठीक है, April. Fourth word है asthma, asthma, asthma. Fifth word है automobile, 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 automobile. ये रहा five words of pronunciation जिसे आपको समझना है, क्योंकि मेरी कोशिश सही रहती है कि मैं उन्ही words को choice करूं और आपके पास लाऊं और आपको उसका pronunciation समझाऊं जो word day to day मतलब daily life में use किया जाता है. ठीक है, बहुत सारे English word है जिसमें लोग mistake करते हैं लेकिन वो word हम हमेशा use नहीं करते, इसलिए मेरा कोशिश यही है कि मैं important words daily uses वाला word को लाऊं और उसे explain करूं, उसका pronunciation सही करूं ताकि आप जब English बोलें, जब grammar सीखने के बाद अच्छे से English बोलें तो उसमें ये बहुत बड़ा flaw जो है जिसे कहते हैं pronunciation वो ना हो. ठीक है, so ये रही आज की video. उम्मीद करता हूँ कि मैं दोबारा फिर से कुछ pronunciation के video लेके आऊँगा. Thank you very much.